Hello, bachcho, let's read the question. There are many phenomena which we observe in nature or at home. For example, raw mangoes shrink when pickled in brine, wilted flowers revive in fresh water, etc. The substances are bound by membranes. Small molecules like water can pass through these membranes. This process of flow of solvent is called osmosis. The pressure that just drops the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution. Osmotic pressure is directly proportional to the molarity of the solution at a given temperature. The red blood corpuscles, which are also called RBC, in animal cells are isotonic with 0.9% of NaCl solution. What will happen when RBCs are placed in 1% NaCl solution? So first of all, hum ye discuss karenge ki is question ka jo key concept hai, wo kya hai? Now here, सबसे पहले तो ये question relate करता है to the process of osmosis. अब osmosis क्या होता है? ये एक वो natural process होता है जहाँ पर water जो है वो move करता है from an area of low solute concentration to an area or region of high solute concentration through a membrane. So, ye membrane ke through jo hai water flow karta hai from low solute concentration to high solute concentration. Ab जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है दैट वी विल डिस्कस अबाउट टोनिसिटी. तो टोनिसिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट in the two fluids separated by a semi-permeable membrane. तो semi-permeable membrane क्या होता है? ये सिर्फ जो जिसको भी हमने सेपरेट करना होता है जैसे वाटर मॉलिक्यूल या रेड ब्लड सेल्स, वही जो है पास आउट होते हैं और बाकी का जो पूरा जो है मटेरियल वो दूसरे साइड पे रह जाता है. तो इट ओनली अलाउज स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और मटेरियल टू पास थ्रू इट. सो यहाँ पर अभी हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं. सबसे पहले आइसोटोनिक. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है बाहर वो इक्वल होती है सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है अंदर. दैट मीन्स लीडिंग टू नो नेट मूवमेंट ऑफ वॉटर. सेकेंड जो है वो होता है हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन. अब इसमें आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन जो होती है दैट इज हायर देन द इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट. यानी के इससे क्या हो जाता है? इससे वॉटर जो है
वो सेल को छोड़ देता है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, सेल जो है वो श्रिंक कर रहा है। अब तीसरा जो है हमारे पास, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इनसाइड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट आउटसाइड। तो इससे क्या होगा, वॉटर जो है वो एंटर करेगा इन द सेल। तो इससे क्या होगा, सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा या फिर बर्स्ट कर जाएगा। नाउ यहां पर अब हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। तो जब पूछा गया कि जब आरबीसीज जो होते हैं विच आर आइसोटोनिक टू 0.9% सोल्यूशन, जब उनको 1% NaCl में रखा जाएगा तब क्या होगा। तो जब आरबीसी 0.9% NaCl सॉल्यूशन में होगा तो दैट मींस वो क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। अब आइसोटोनिक हमें पता है कि इसमें क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है NaCl की इनसाइड आरबीसी वो इक्वल होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl आउटसाइड, यानी के नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी के आरबीसी की जो शेप है वो नॉर्मल रहेगी। अब जब आरबीसी प्लेस किए जाएंगे 1% ऑफ NaCl सॉल्यूशन में, तो ये जो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, हाइपर टॉनिक बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि 1% वो हाई हो जाएगी देन द इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन, यानी के इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, 0.9% है आरबीसी की। इससे क्या होगा, एक हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट बन जाएगा जिससे क्या हो जाएगा, वॉटर विल मूव आउट। जब वाटर मूव आउट हो जाएगा इससे क्या होगा, आरबीसी जो है इट विल श्रिंक। तो यहां जो है हम ये कह सकते हैं कि व्हाट विल हैपन, आरबीसी विल श्रिंक बिकॉज ऑफ द हाइपर टॉनिक एनवायरमेंट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।